गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस जो आई थिंक एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर आपको पूछे जाएंगे। सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है वो तो बहुत ही ईजी है आपको, जो मैंने मेथड कराई हुई है इसलिए उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पी ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, उसमें x इक्वल टू 2/2.3 लिखा हुआ है और नेक्स्ट वाले में 1/2 और जहाँ पे x इक्वल टू डायरेक्ट 4 दे दिया है, यानी इस तरह से आपको वैल्यू सिर्फ दी हुई है सम के अंदर। तो चलिए मैं स्टार्ट करूँगा। सो p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, उसमें तो मुझे दो बार क्या रखना है, एक बार तो मुझे x के जगह 2 रखना है और एक बार मुझे क्या रखना है 3 रखना है। तो एक बार मैंने x के जगह 2 रखा हुआ है, सो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 6, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/6। ऐसे एक बार नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, एक्स के जगह मैं 3 रखूँगा, सो 3 - 1/6 यानी आ जाएगा मेरा 2/6, यानी पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 के लिए तो वैल्यू मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। अब नीचे वाला जो दिया हुआ है वो एक्स, जब एक्स इक्वल टू 4 रखना है तो हमको एक्स इक्वल टू 4 के लिए ऑलरेडी पहले से आंसर 1/2 दिया हुआ है, इसलिए मैंने पी ऑफ 4 की जगह डायरेक्टली क्या रखा हुआ है 1/2 रख दिया है। क्लियर हो गया बेटा आपको? चलिए अब मुझे इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना था, मीन निकालना था। तो मीन का तो फॉर्मूला हमको मालूम ही है, सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। सो मैंने एक्स के लिए जब 2 रखा तो मुझे वैल्यू क्या मिली थी 1/6 मल्टीप्लाई करा हुआ है, प्लस पी ऑफ 3 के साथ मैंने किसका मल्टीप्लाई करा हुआ है 1/3 का, और 4 के साथ मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। फाइनली अब जब करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 × 1/6 यानी 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट करा यानी 1 आ गया और 2 × 4 = 2 हो रहा है। मैंने 3 एलसीएम ले लिया है तो 1 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 यानी मेरा फाइनल आंसर 10/3 आ जा रहा है। क्लियर हो गया आपको फर्स्ट? चलिए चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 आपको दिया हुआ है और उसमें आपको एक्स के 3 वैल्यू पुटअप करनी है, एक -2, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो आप -2, 1 और 2 रख के वैल्यू तो आप लोग पहले फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस सम के अंदर मुझे क्या निकालना है, वेरियंस निकालना है। तो वेरियंस निकालने के लिए क्या आएगा, मुझे एक्स आई तो पहले दिया हुआ है, तो मैंने एक्स आई के लिए मुझे कौन कौन से वैल्यू थी, -2, 1 और 2 दिया था मैंने जो यहाँ पर पुटअप कर दिया है, और तीनों का प्रोबेबिलिटी क्या मिला हुआ है, पहले का आंसर 1/10, दूसरे का 2/5 और तीसरे का 1/2 मिल रहा है। ये तो मैंने कट करके लिखा हुआ है, बाई चांस अगर आप कट करके नहीं लिखते हो तो भी आपको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करा हुआ है, एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई करा हुआ है, यानी -2 × 1 - 2/10, 1 × 2 = 2/5 और 2 × 1 = 2/2 लिखा हुआ है। अगर मैं वहाँ पे भी कट कर देता मेरा आंसर तो सेम ही आने वाला है। अब एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई का मीनिंग है एक्स आई से वापस एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। सो -2 × -2/10, -± प्लस हो जाएगा, 4/10 आ जाएगा, 1 × 2/5 तो 1 × 2 = 2, 2/5 आ जाएगा और 2 × 2 = 4/2 हो जाएगा। अब मैं जब उनका सभी का टोटल कर लूँगा, 4/10 + 2/5 + 4/2 एलसीएम मेरा 10 आ रहा है, तो 4 + 2 यानी वहाँ तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 और 2 × 2 = 4 आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 कितने टाइम आएगा, 5 और 5 × 4 = 20 आ जाएगा। सो फाइनल मेरा 28/10 आ रहा है और मेरा आंसर 2.8 रखा हुआ है। क्लियर हो गया होगा आपको ये भी सम? ओके चलिए नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एन इक्वल टू मुझे 4 दिया हुआ है और मुझे पी ऑफ 4 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला तो मेरा NCX वाला ही आएगा, बाइनोमियल का जो मैंने आपको आगे दिखाया हुआ है। तो पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू NCX p^(x) इंटू q^(n-x) मैंने फॉर्मूला पुटअप कर दिया है। एन इक्वल टू मुझे 4 दिया है और एक्स की वैल्यू में मुझे 4 दी हुई है। अब आगे के समय मैंने आपको बोला हुआ है कि जब कभी भी हमको पी और क्यू ना दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 और 1/2 ले लेते हैं। सो 4c4 इंटू पी की जगह मैंने क्या लिया हुआ है, 1/2 लिया हुआ है, सो 1/2 के 4 और क्यू की जगह भी मैंने 1/2 n-x यानी 4 - 4 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 0 आ जाएगा। सो 4c4 1, 1/2 की 4 यानी 1/16 और 1/2 की 0 यानी 1 आंसर आएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 1/16। क्लियर हो गया आपको ये भी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, बहुत ही अच्छा सम है। सम के अंदर ऐसा दिया हुआ है जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है यानी पी, वो क्या है, फेलियर से 2 टाइम है, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, सक्सेस यानी पी को क्या लिखा हुआ है, फेलियर का 2 टाइम, इट मीन्स पी इक्वल टू 2q। एन तो हमको 4 दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरियंस। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पी इक्वल टू 2q दिया हुआ है, मैं किसी की जगह में क्या करूँगा, जैसे मैंने क्यू की जगह 1 - p रखा हुआ है, अगर मैं पी के जगह 1 - q रखता तो भी मेरा आंसर तो वही आने वाला था।
सो पी इक्वल टू टू वन जो टू टू माइन टू इंटू माइनस पी यानी माइनस टू पी आ जाएगा, माइनस टू पी को चलाऊंगा तो प्लस थ्री पी इक्वल टू टू हो जाएगा, सो पी इक्वल टू टू बाई थ्री, पी मेरा मिल गया। अब मैं क्यू निकालूंगा तो क्यू के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, वन माइनस पी यानी वन माइनस टू बाई थ्री, सो आई गॉट वन बाय थ्री, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, वेरियंस निकालना है, तो वेरियंस का फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, एन इंटू पी इंटू क्यू, सो एन मेरा था फोर, पी का मुझे मिला हुआ है टू बाई थ्री और क्यू का मुझे मिला हुआ है वन बाई थ्री, सो फोर टू ज़ा एट और डिवाइड बाई थ्री थ्री ज़ा नाइन यानी एट बाई नाइन, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये भी सम। चलिए क्वेश्चन नंबर एट को जा रहा है, जहाँ पे हमको मीन फोर दिया हुआ है और उसका वेरियंस टू दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर्स, और पैरामीटर मीन्स वॉट, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एंड पी। सम के अंदर पहले मैं एन पी क्यू ले लेता हूँ और एन पी क्यू में जहाँ पे मुझे एन पी दिख रहा है वहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, फोर रख दिया है, सो क्यू तो ऐसे कैसे रहेगा, तो फोर क्यू इक्वल टू टू, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा टू बाई फोर, अब मैं कट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर वन बाई टू आ जाएगा, यानी टू टू बाई फोर को मैंने कट करा हुआ तो मेरा आंसर कितना मिल जाएगा मुझे फाइनली वन बाई फोर वन बाई टू मिल जाएगा। ओके चलिए फिर उसी तरह मैं अगर जब कि उसमें से पी निकालूंगा तो पी के लिए क्या आएगा मेरा वन बाई क्यू वन माइनस क्यू आ जाएगा, सो वन माइनस वन बाई टू यानी मेरा फाइनल आंसर मुझे कितना मिल जा रहा है वन बाई टू मिल जा रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, एन और पी निकालना है, तो एन पी तो मुझे दिया हुआ है, एन पी इक्वल टू मुझे फोर दिया हुआ है, तो मैंने वहाँ पे एन मुझे पता नहीं है जबकि पी की वैल्यू तो वन बाई टू मालूम है, उसको मैं क्रॉस में ले जाऊँगा, सो फोर टू ज़ा एट मेरा आंसर, एन का भी मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये सम भी आपको। चलिए देन क्वेश्चन नंबर नाइन, बहुत ही अच्छा सा, मैं ये भी बोर्ड के अंदर पूछा हुआ टू मार्क्स के लिए, एन की वैल्यू टेन दी हुई है और क्यू माइनस पी इक्वल टू पॉइंट सिक्स दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पी। तो मैंने स्टार्ट करा सम, क्यू माइनस पी इक्वल टू पॉइंट सिक्स दिया हुआ है, उसमें मैंने क्यू के जगह वन माइनस पी रख दिया है और माइनस पी तो एज इट इज है इक्वल टू पॉइंट सिक्स, वन माइनस पी को मैंने ओपन कर दो वन माइनस पी इक्वल टू पॉइंट सिक्स, वन इधर प्लस में था उधर चला गया तो माइनस में चला गया, तो माइनस पी कितना आ गया माइनस टू पी इक्वल टू पॉइंट सिक्स माइनस वन इक्वल टू पॉइंट फोर, माइनस में माइनस माइनस दोनों तरफ मैंने कट करा, सो पी इक्वल टू पॉइंट फोर बाई टू यानी पी का आंसर मेरा आ जाएगा पॉइंट टू। क्लियर हो गया आपको ये। चलिए अब मुझे एन पी निकालना है, तो एन पी के लिए हमारा क्या होता है, एन पी इक्वल टू मुझे दिया हुआ ये यानी मेरा एन तो कितना मिला हुआ था मुझे टेन मिला था और पी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है पॉइंट टू आ गई है, सो टेन इंटू पॉइंट टू यानी मेरा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा टू, मेरा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये भी। चलिए देन लास्ट सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर टेन भी हम लोग देख लेते हैं। सम के अंदर दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग अंडर रूट एन पी क्यू बोलते हैं, वो हमको पॉइंट एट दिया हुआ है, हमको फेलियर यानी क्यू टू बाई थ्री दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पी यानी हमको उसका मीन निकालना है। सो अंडर रूट एन पी क्यू, तो मैंने अंडर रूट को हटा के सामने ले गया तो पॉइंट एट का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, सो एन पी क्यू टू क्या आ जाएगा पॉइंट एट का होल स्क्वायर यानी पॉइंट सिक्सटी फोर आ गया। अब सम के अंदर मुझे एन पी तो निकालना है और क्यू की वैल्यू दी है, तो मैंने एन पी एज इट इज रखा और क्यू की जगह मैंने टू बाई थ्री रख दिया है और इक्वल टू पॉइंट सिक्स फोर तो दिया हुआ है। अब बस सिंपली मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा यानी पॉइंट सिक्स फोर इंटू थ्री डिवाइडेड बाई मैंने टू करा है, सो एन पी का मेरा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा पॉइंट नाइन्टी सिक्स आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये भी पक्का। चलिए तो आई होप आप सभी को सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर टू टू लेकर टेन तक के सभी सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके आपके कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।